गाइस, सो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बजट निकल गया है एंड बजट पे हम लोगों ने देखा था जो भी मैंने वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी थी बहुत बढ़िया था। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहा है, टैक्सेस ज्यादा नहीं करे गए हैं, कोविड पे भी सेस नहीं लगा, जो भी हम लोगों ने बोले थे कि मार्केट को नहीं चाहिए वो सारी चीजें बजट में हुई है। बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्रिप्टो करेंसीज पे भी शायद बैन लगने वाला है वो भी नहीं लगा है, अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है। सो इट्स वेरी गुड क्योंकि मैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर सीरीज स्टार्ट कर रहा था एंड फॉरेक्स के ऊपर स्टार्ट कर रहा था कि पूरा बेसिक से आप लोगों को बताया जाए कैसे स्टार्ट करना है एंड कहां पर आप लोगों को अपने अकाउंट ओपन करने हैं। सो गाइस कोई बात नहीं, इट्स अ वेरी गुड न्यूज एज वेल एंड मार्केट में हम लोगों ने अराउंड 35,000 प्लस का प्रॉफिट भी अर्न करा है। सो उसका भी वीडियो आप लोगों को यहाँ पर विजिबल हो जाएगा हमारे लैपटॉप पर जब मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो मार्केट ऑलमोस्ट 5% से ऊपर जाके मूवमेंट करी है, बहुत अच्छी मार्केट रही है। येस राइट नाउ मार्केट इज एट इट्स रेजिस्टेंस। सो पर अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आप लोगों को बताया था बहुत बढ़िया डाटा के साथ कि अगर बजट वाले दिन मार्केट पॉजिटिव क्लोज होती है सो वी कैन एक्सपेक्ट कि फरवरी का सीरीज भी पॉजिटिव ही क्लोज करेगा। बट बजट के दिन ही ऑलमोस्ट 8.5% का तो बैंक निफ्टी ने रिटर्न दे दिया एंड इट्स एट इट्स लाइफ टाइम हाई के आसपास है बिल्कुल। सो वी हैव टू सी कि मार्केट अब यहां से कहां जाएगी, कौन से स्टॉक्स परफॉर्म होने हैं। गाइस इंस्टाग्राम पे मैंने आप लोगों को अपडेट करा था कि कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं कल के लिए, सो यू कैन चेक दिस आउट एंड डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को नीचे लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होने का। सो सीधा वीडियोस पे बढ़ते हैं एंड चेक करते हैं कौन से स्टॉक कल के लिए बढ़िया है और हम लोग मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कल कौन से स्टॉक्स पे बाइंग करनी है, निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो किस तरीके से रह सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के अगर आप लोग चार्ट्स देखेंगे सो इट्स वेरी क्लियर टू यू, आप यहाँ देख सकते हैं दैट पर्टिकुलर लाइन इज रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस लाइन इज रेजिस्टेंस। यहाँ पर इसने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद जैसे ही इसने रीटेस्ट करा दैट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट से यहाँ पर एक अच्छी खासी अपमूव आई एंड सेकेंड टाइम इसने दोबारा सपोर्ट लिया एंड इस लेवल से एक दोबारा अपमूव आ रही है। तो यस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम सपोर्ट पे अगर रीटेस्ट करता है यू कैन गो फॉर अ बाय। सो अगर मैं आप लोगों को अन अर्ली चार्ट्स दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को और क्लियरली विजिबल हो जाएगा। यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से इसमें एक अच्छी खासी अपमूव आई जा रही है, ठीक है। सो अगर ये पर्टिकुलर 7422 रुपीज के लेवल पे चल रहा है राइट नाउ, दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7422, अगर ये 7435 को ब्रेक करता है यू कैन गो फॉर अ बाय विद अ टारगेट ऑफ 7580 रुपीस। यस आपको ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स तक एक अपमूव देखने को मिल सकती है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को मिस मत करिएगा। नेक्स्ट स्टॉक इज पॉलीकैप। पॉलीकैप स्टॉक मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी रिकमेंड करा था कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये आप लोग आज बाय कर सकते हैं एंड इसने बहुत ज्यादा अच्छी अपमूव दिखाई थी ऑलमोस्ट। अभी राइट नाउ ये एक ट्रेडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, आपको मैं अगर यहाँ पर दिखाता हूँ देख सकते हैं एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, एक शार्प अपमूव उसके बाद एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इट दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन मूव अप टू 1300 लेवल्स आल्सो, सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट राइट नाउ 1250। अगर ये 1255 के ऊपर निकलता है यू कैन गो फॉर अ बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 1290 टू 1300 लेवल्स। नेक्स्ट स्टॉक इज एनसीएल इंडस्ट्रीज। इंसिल इंडस्ट्रीज पे भी बाय करने के लिए आप लोगों को रिकमेंड दी जा रहा है, आप जिस तरीके से यहाँ देख सकते हैं एक पेनेट पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक अपमूव उसके बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करी एंड आप देख सकते हैं जो लाइन्स हैं जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन है दिस इज कन्वर्जिंग, जो लाइन है वो कन्वर्ज कर रही है। उसके बाद हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकआउट देखने के बाद आप देख सकते हैं जो क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस था उस closest resistance का इसने breakout दिया है and right now this particular stock is trading at 154.75. अगर ये 155 को break करता I think this particular stock can go up to 159 to 163. आप इस particular stock को भी miss नहीं कर सकते, बहुत अच्छा return ये दे सकता है। And next stock is Escorts. Escorts पे भी buy करने की आप लोगों को सलाह दी जा रही है, let me show you on early time frame. आप देख सकते हैं दैट अर्ली टाइम फ्रेम देख सकते हैं कि यहाँ से एक फॉल आया, दिस पर्टिकुलर लेवल इज आर सपोर्ट, सपोर्ट पे सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम इसने ब्रेक करा दैट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस आफ्टर अ रीटेस्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे अगेन फॉल एंड अगेन वो उसी लेवल पे आ रहा है। अगर दिस लेवल को ये ब्रेक करता आई कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1269, अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेक करता है 1274
फोर को यू कैन गो फॉर अ बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड आई थिंक कि वो एक अच्छे लेवल से आप लोगों को दिखा सकता है। ठीक है, सो आई थिंक कि आर नेक्स्ट स्टॉक इज केटीके बैंक। कर्नाटका बैंक पे भी एक अच्छी खासी ब्रेकआउट आया है एंड आई थिंक ये पर्टिकुलर स्टॉक भी अच्छी खासी मूवमेंट दिखा सकता है। और ये जो भी मैंने स्टॉक्स आप लोगों को बता रखे हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स पे मेरी खुद की भी पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटका बैंक का मैंने चार्ट ओपन कर दिया है एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक पे भी देखिए जो भी मैं स्टॉक्स आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है कि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे और आप लोग इजी एनालिसिस करके अपना खुद का ट्रेड ले सके। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे ट्रेड्स पे फोकस करेंगे और लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे तो इवेंचुअली आप लोग लॉस बुक करते रहेंगे। सो लर्निंग के साथ साथ मैं आप लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर लर्निंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना, बिकॉज अगर आपको मैं बाय चांस अगर मैं आप लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड ना करूं तो आप लोग खुद स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे एक अच्छी खासी अपमूव आई थी, उसके बाद इसने रिट्रेस लिया, रिट्रेस अराउंड 50% तक का रिट्रेस लिया अपनी पूरी अपमूव का। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि एक अच्छी खासी अपमूव हमें देखने को मिली, अपने प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक करा, अगेन इसने एक रिट्रेसमेंट लिया, इस पूरी अपमूव का इसने 50% का रिट्रेसमेंट लेवल लिया एंड यही लेवल से एक अपमूव कर रहा है। तो राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस एंड इट्स इन अ अप ट्रेंड। So yes, we can go for a buy this particular stock. Right now, this particular stock is trading at 62.65 rupees and I can expect this particular stock to go up to 68 rupees. Yes, my buying price is right now 61.05. My buy price is 61.05. I can expect this particular stock to go up to 68 rupees. Okay, so our next particular last stock is... five stocks we covered. Let's go to Nifty and Bank Nifty. And Nifty Bank Nifty में check करते हैं कि किस तरीके से movement आई and it's very good movement. Let me go on a early time frame. Yes, early time frame पे आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी हमें movement देखने को मिली है, एक sharp up move देखने को मिली है. But yes, I can expect आप देख सकते हैं जो ये पूरा fall था, इस पूरे fall का almost around इसने if we can expect 50% से ज़्यादा का cover कर लिया है. ठीक है, सो राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट 14,335 बट आई कैन एक्सपेक्ट ये इस सीरीज के अंदर अंदर ही अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा एंड न्यू लाइफ टाइम हाई बना सकता है। सो यस, अगर कल हम लोगों को थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को या रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है वी कैन गो फॉर अ बाय निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल एंड आई कैन थिंक कि बैंक निफ्टी अब अपना ब्रेकआउट दे देगा और अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके अप मूव दे सकता है। यस गाइज, सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं हम लोग। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड इस पर जो पांच स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया उसमें मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग भी है एंड आई थिंक कि मार्केट यहां से और अच्छी अपमूव दिखा सकती है बिकॉज जो मैंने डाटा आप लोगों को शो करा था और बिफोर बजट वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से वर्क करा है। सो होप आप लोग अपनी खुद की एनालिसिस करें एंड इस पर ट्रेड लें और अच्छे से अर्न करें। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल वीडियो पे। मैं शिवांश भसीन, साइनिंग ऑफ।